आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल के रवैये पर उठाया सवाल, बताया गैर जिम्मेदाराना। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच हुआ रद्द और अब 28 जुलाई यानी बुधवार को होने वाला मैच भी शंका के दायरे में। ब्रिटेन में कोरोना स्थिति पर अनुमान, जल्द ही होगा कोरोना संक्रमण का अंत। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, नियंत्रण के बावजूद 10,000 से अधिक घर खतरे की कगार पर। और अब पेश है खबरों का विस्तार। बीते दिन संसद में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। पिछले सप्ताह की तरह बीते दिन भी संसदीय दल की बैठक में संसद के मानसून स्तर के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी सांसदों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले हर गांव में कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह केवल सरकार के लिए अहम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जनता की भागीदारी के साथ उनका कार्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा बैठक के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के लिए डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा होने पर ही सभी ग्रामीण सरकार की योजनाओं से अवगत हो सकेंगे और इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। बता दें कि 19 जुलाई से शुरू संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई, जिसके कारण अब तक दोनों सदनों का कामकाज ना के बराबर हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा डालने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जब देश महामारी की संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में विपक्षी दलों का रवैया काफी गैर जिम्मेदाराना है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार को रात 8 बजे खेला जाना था, लेकिन इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिन ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण मैच को रद्द कर दिया गया। बीते दिन मंगलवार रात 8 बजे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिन ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। बाद में बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि अब दूसरा मैच 28 जुलाई यानी बुधवार को खेला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल टीम ने साफ कर दिया है कि कृणाल पांड्या 8 खिलाड़ियों के साथ क्लोज कांटेक्ट में थे। जो 8 खिलाड़ी उनके साथ संपर्क में थे, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन ये मैच बुधवार को होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इम्पीरियल कॉलेज के महामारी विज्ञानी नील फर्ग्यूसन के अनुसार ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का अंत आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। महामारी विज्ञानी नील फर्ग्यूसन का कहना है कि देश में कोरोना टीकाकरण के चलते पिछले दिनों के आंकड़ों के मुकाबले अब संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी देखने को मिली है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दावा किया है कि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आएंगे, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं अगर पिछले दिनों के आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग से तकरीबन 1,97,487 एकड़ क्षेत्र में फैले जंगल और पेड़ों की लकड़ी जलकर राख हो गई है। हालांकि जंगल की आग में 22% नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी 10,000 से अधिक घरों पर खतरा मंडरा रहा है। डिक्सी फायर जो वर्तमान में कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी आग की घटना है, छोटी फ्लाई फायर के साथ मिलने के बाद यह आग और बढ़ती जा रही है।
आग ने कम से कम 16 घरों और अन्य इमारतों को भी नष्ट कर दिया है। बता दें कि कैलिफोर्निया के इतिहास में यह 15वीं सबसे बड़ी जंगल की आग है। इस साल राज्य में यह आग दूसरी बार लगी है। गौरतलब है कि आग से अब तक 1,97,487 एकड़ क्षेत्र में फैले जंगल व पेड़ों की लकड़ी को आग ने जलाकर राख कर दिया है। नियंत्रण के बावजूद भी इससे अभी 10,000 से अधिक घर खतरे की कगार पर हैं। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।